नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं राम मंदिर में मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये सभी लोग नव निर्वाचित पदाधिकारी हैं व्यापारी संघ के। व्यापारी संघ की चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न हुई, उसमें ये सारे लोग निर्विरोध चुने गए। नीरज जी है जो अध्यक्ष चुने गए। नीरज जी, आपको अध्यक्ष चुने जाने की बधाई। मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको दूसरी बार व्यापारी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, अब व्यापारी सुरक्षा और व्यापारी संघ के नए क्या कार्यक्रम होंगे और किस तरह से व्यापारी संघ झाबुआ में व्यापारी को लिखकर काम करेगा? मैं सभी व्यापारी साथियों का नव निर्वाचन होने पर, निर्विरोध निर्वाचन होने पर, वरिष्ठ व्यापारियों का, युवा व्यापारियों का और व्यापारी संघ के सारे सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले दिनों में व्यापारियों के हितों के लिए, जैसा पहले भी हम काम करते आए हैं, भविष्य में भी हम व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सारी योजना बनाकर काम करेंगे और व्यापारियों के लिए ही जो योजना बनेगी उनको मूर्त रूप देने का विशेष प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सामाजिक काम भी करते हैं, नगर में एक व्यापारी संघ को एक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उनको विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए हम सामाजिक थीम में भी जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद नीरज जी, हम आपको उनसे भी मिलवा रहे हैं जो निर्वाचन के पदाधिकारी थे, उनसे जानते हैं कि ये पूरी निर्वाचन प्रक्रिया किस तरह से संपन्न हुई। यादव साहब जी, का विशेष प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सामाजिक काम भी करते हैं, नगर में एक व्यापारी संघ को एक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उनको विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए हम सामाजिक थीम में भी जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद नीरज जी, हम आपको उनसे भी मिलवा रहे हैं जो निर्वाचन के पदाधिकारी थे, उनसे जानते हैं कि ये पूरी निर्वाचन प्रक्रिया किस तरह से संपन्न हुई। यादव साहब जी, संगठन के नियमों अनुसार, नियम के अनुसार हर 3 वर्ष में चुनाव करवाए जा रहे हैं। मुझे समिति ने निर्वाचन अध्यक्ष नियुक्त किया था ताकि चुनाव हो सके। मेरे द्वारा प्रक्रिया का पालन किया गया, समझ जाके होर्डिंग लगाए गए, पत्र छपा के लोगों को बंटवाए गए, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज किया गया जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है वो आए। लेकिन 5 पदों में से 4 पद तो किसी ने उम्मीदवारी व्यक्त नहीं करी, एक ही एक रहे। लेकिन 1 पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, सह सचिव पद के लिए 2 शाहबंधु थे। जब उन्होंने आपस में समझौता करा और शाह जी ने एक फॉर्म ड्राफ्ट कर लिया, इस प्रकार ये चुनाव पूरा निर्विरोध संपन्न हुआ और संगठन की मजबूत एकता स्थापित हुई। धन्यवाद। नीरज जी को आपने सुना, आगामी उनकी सामाजिक क्षेत्र में काम करने की काफी शहर में लेकर पहल है और व्यापारी के लिए भी काफी काम करने की योजना है। आप और भी खबरों के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव पर।